अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। आज हम सीखेंगे अबाकस CAE में हम कैसे एक फिक्स बीम विथ UDL कैसे एनालाइज करें। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक बीम है 10 मीटर का, जिसका सेक्शन है 600 mm इंटू 300 mm, यानी कि 600 mm डेप्थ और 300 mm विड्थ। उस पे 100 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लगा हुआ है और दोनों एंड इसके फिक्स हैं। मटेरियल जो है हमारा इस बीम का कंक्रीट है। इलास्टिक मॉडुलस हमारा गिवन है एंड पॉइजन रेशियो हमारा गिवन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अबाकस CAE। ये हमारा अबाकस CAE है। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, ये जो आप इधर देख रहे हैं मॉडल के नीचे पार्ट्स, इस पर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करते ही आपको एक विंडो दिखाई देगी। उस विंडो में सबसे ऊपर नेम डाला हुआ है पार्ट वन। हम यहाँ डाल देते हैं बीम। हम बीम एनालाइज कर रहे हैं, हमने अपने मॉडल का नाम डाल दिया है यहाँ पे बीम। हमारा जो बीम मॉडल है वो 3D मॉडल है, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है, विड्थ भी है, डेप्थ भी है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं 3D। हमारा जो बीम है वो डिफॉर्म हो सकता है, तो हमने डिफॉर्मेबल सेलेक्ट कर दिया। हमारा जो बीम है वो सॉलिड है और हमारा एक्सट्रूशन हो सकता है। एक्सट्रूशन मतलब कि हम 2D बनाएंगे उसको एक्सट्रूशन करेंगे, बस इसका यही मतलब है, जैसे कि ऑटोकैड में होता है। अप्रोक्सीमेट साइज़ ही ग्रिड साइज़ है हमारा, इसको 200 ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपकी ग्रिड आ जाएगी। स्क्रॉल को आप अगर घुमाओगे तो एक ग्रिड जूम आउट जूम इन होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप एक रेक्टेंगल लाइंस छपा हुआ है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ सेंटर से, कोई भी रैंडमली एक साइज़ लेके। सॉरी गलत क्लिक हो गया है मुझसे, मैं दोबारा से न्यू मॉडल करता हूँ। बीम 3D डिफॉर्मेबल सॉलिड एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू। मैंने ये लिया रेक्टेंगल और यहाँ सेंटर पे क्लिक करते हुए एक रेक्टेंगल बना दिया। जैसे ही आप रेक्टेंगल बनाएंगे उसके बाद हमारा जो रेक्टेंगल है, हमारा जो बीम है उसकी ये 10 मीटर लेंथ और जो डेप्थ है वो है हमारी 600 mm, यानी 0.6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक आइकन है लेंथ को मेजर करने के लिए, इस पर क्लिक करके जो लॉन्गिट्यूड लेंथ है उस पर क्लिक करके थोड़ा कर्सर नीचे को ले आएंगे तो इसकी लेंथ शो करेगा, जो शो कर रहा है 45, पर हमारी कितनी है लेंथ 10 मीटर। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 10 इनपुट करके एंटर मारते हैं, ये हो गई 10। अब हम इसकी डेप्थ पे क्लिक करके साइड में ले आते हैं, डेप्थ दिखा रहे 10, जबकि हमारी डेप्थ कितनी है 0.6। हमने एंटर मार दिया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, देखिए ये हमारा 2D बीम बन गया। अब हमें बनाना है इसे 3D। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके कैंसिल प्रोसीजर करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे डन पर, तो वैसे ही आपसे पूछेगा डेप्थ। हमारी डेप्थ कितनी है, विड्थ, क्योंकि हमारे फ्रंट वाला पोर्शन बन चुका है 10 मीटर लेंथ और ये हमारी विड्थ 0.6 डेप्थ। अब हमें बनानी है ये विड्थ, ये विड्थ जो है हमारे 0.3। तो हमने यहाँ पे डाला 0.3 और ओके कर दिया। ये देखिए हमारा एक 3D बीम बन चुका है। आप इधर देखिए जरा, एक मॉडल के पास है पार्ट प्रॉपर्टी असेंबल, हमें यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो हमारा पार्ट हो चुका है, अब हम प्रॉपर्टी, जैसे हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आइकन्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट आइकन में आप देख रहे हैं कर्व दिखा रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन, यानी कि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मटेरियल का नाम हमारा मटेरियल है कंक्रीट, मैंने यहाँ डाला कंक्रीट। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे इलास्टिसिटी हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमने इलास्टिसिटी ली है कितनी, 25,000 एंड पॉइजन रेशियो 0.76। तो हमने यहाँ पे 25,000 डाला एंड पॉइजन रेशियो 0.17 और हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको इसी के नीचे एक और आइकन है सेक्शन, इस पे जाना है
जैसे इस पे क्लिक किया विंडो खुल गई। इसमें हमने सॉलिड, क्योंकि हमारा ये जो बीम है सॉलिड है, होमोजीनियस है, तो इसको हमने सेक्शन को बना दिया सॉलिड होमोजीनियस, जिसका नाम है सेक्शन वन, और कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद एक और विंडो होती है, उसमें कंक्रीट लिखा हुआ है, जो पहले डिफाइन कर चुके हैं हम, उसे ओके कर देंगे। उसके बाद जो हमने होमोजीनियस सॉलिड सेक्शन बनाया है, इसको इस पर अप्लाई करना है, तो उसी के नीचे एक और आइकन है, देखिए आई और एक ग्रीन पे जा रहा है, यानी कि सेक्शन इस पर असाइन हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे आ जाता है सेट वन। ये पूछ रहा है पहले एक ग्रुप बना लीजिए कि किसको ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो मैं पूरे बीम को बनानी, तो पूरे बीम को मैंने सेलेक्ट किया, सेट वन यहाँ लिखा हुआ है, ग्रुप वन सेट वन है इसका नाम, और डन कर दिया। जैसे ही मैंने डन किया, एक विंडो खुल जाती है। हमने सेक्शन वन, याद कीजिए, हमने इससे पहले सेक्शन वन डिफाइन किया था होमोजीनियस सॉलिड, तो वही सेक्शन है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। ओके करते के साथ ही ये अप्लाई हो गया। अब हमारा सेक्शन हो चुका है। देखिए हमने पार्ट में हमने मॉडलिंग की, प्रॉपर्टी हमने सेक्शन और मटेरियल दे दिया। अब हम जाएंगे असेंबली में। जब आप असेंबली पर जाएंगे, तो आप ये जो फर्स्ट आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका हमारा अपने मॉडल जो बनाया था पार्ट्स में बनाया था, इसका टाइटल बीम था, और इसे डिपेंडेंट कर देते हैं मैस के ऊपर। ओके कर देते हैं। इसके बाद असेंबली के बाद सीधा हम देंगे स्टेप्स पे, जो हमारे स्टेप्स कितने लेगा ये जब एनालाइज करेगा। तो हमने क्रिएट स्टेप पे क्लिक किया है इस आइकन पे, और स्टेप वन इनिशियल जो डिफ़ॉल्ट है वो वैल्यू रहने देंगे स्टैटिक जनरल। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे डाल देते हैं बीम, जो हम बीम बना रहे हैं, और सब चीज़ डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ओके कर देते हैं। स्टेप के बाद हम जाएंगे लोड पे, तो लोड याद कीजिए हमारा UDL है 100 किलोमीटर। तो हम यहाँ लोड का एक आइकन दिखाई दे रहा हुआ, एल सेक्शन है, उसको लोड लग रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। तो ये लोड जो हमारा UDL है, प्रेशर होगा इन अबाकस में, उसको प्रेशर बोलेंगे। तो लोड फर्स्ट है हमारा, प्रेशर है, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद पूछ रहा है कि कहाँ लगाना है, तो हमने इसका भी ग्रुप बनाना है, जैसे हमने उसका ग्रुप बनाया था सेक्शन के लिए, तो टॉप सरफेस पे लगाना है। टॉप सरफेस सेलेक्ट करी और सरफेस वन नाम से ग्रुप बन गया, डन। और ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर प्रेशर हम डाल देते हैं 100। ओके कर देते हैं, ये 100 का हमारा प्रेशर लग गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको मैश करना, छोटे छोटे पार्ट्स में हम मैशिंग कर लेते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेस कैसे वेरिएशन स्ट्रेस का हो रहा है। तो हम लोड के बाद जाएंगे मैश। मैश में देखिए आप, सबसे पहले एक पहला आइकन है एल, जिस पे रेड कलर के कुछ डॉट डॉट हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे पार्ट्स पे, हमारे मॉडल जो है पार्ट्स है, उसके बाद इस आइकन पे क्लिक कर ले आप। अब ये कह रहे हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये 10 मीटर का है, एक एक मीटर, अगर हम इसे यहाँ 1 डालता हूँ मैं, तो एक एक मीटर में पार्ट हमें हो जाएगा। अगर 2 डालता हूँ तो 2 मीटर के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 0.5 का मतलब है 0.5 एंड 20 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 0.5 भी ले लेते हैं। ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए कुछ डॉट डॉट्स दिखा रहा है 0.5 पर। उसके नीचे इसी आइकन के नीचे एक और आपका एल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो यस करेंगे, ये हो गया मैश। मैस के बाद हमें लगाना है इसमें सपोर्ट। सपोर्ट आपका लोड में जाएंगे दोबारा से, और लोड में देखिए जो लोड हमने जहाँ से लगाया उसी के नीचे एल छपा हुआ है, इसके नीचे फिक्स सपोर्ट टाइप का आइकन है, तो हमने इस पर क्लिक किया। तो ये बाउंड्री कंडीशन है BC1। कंटिन्यू क्लिक करेंगे, हमने ये सरफेस सेलेक्ट कर ली और इसको सेट वन बोल दिया। अब इसका एक ग्रुप बन गया इस एंड पॉइंट का सेट वन। जैसे डन किया तो पूछ रहे कौन सपोर्ट लगानी, जो आप सबसे लास्ट में एनकैस्टर देख रहे हैं, ये है आपकी फिक्स सपोर्ट, इसमें मैंने ओके कर दिया है, फिक्स सपोर्ट लेते हैं। अब इस आइकन पे जाके हम इसे रोटेट करेंगे, दूसरी जगह हमें सपोर्ट लगानी है यहाँ पे। तो मैंने दोबारा सपोर्ट पे क्लिक किया, BC2 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, कंटिन्यू किया, इस एंड को लिया और सेट टू डन हो गया, और हमने फिक्स सेलेक्ट किया। ओके, ये हमारा हो गया। ये देखिए अब आपको लगने लग गया होगा ही कि एक बीम है, दो जिसके दोनों एंड फिक्स हैं और UDL उस पर लगा हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे इस मॉडल में जॉब। इस जॉब में हम, ये विंडो खुल जाएगी, तो इसमें क्रिएट करेंगे। क्रिएट में देखिए जॉब वन, कंटिन्यू एंड ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो जॉब वन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद करेंगे सबमिट।
मीन्स ये एनालाइज करेगा, वार्निंग देगा उसको यस कर देंगे। देखिए सबमिट हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पर रनिंग लिखाएगा। फायरवॉल हमारा ये उसको एक्सेप्टेंस मांग रहा है, कंप्लीट आ गया यहाँ पर। अब रिजल्ट पे जाते हैं, ये हमारा बीम है, ये देखिए डिफॉर्मेशन शेप ये है हमारी, और ये कलर के अकॉर्डिंग स्ट्रेसेस हैं। यहाँ पे रेड है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, और यहाँ पे ब्लू है वहाँ पे कम स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमारी ऐसे वेरी हो रही है। अगर हम इसका एनिमेट करके देखें तो ये देखिए, क्योंकि हमारे बोथ एंड फिक्स है और बीच में ही लोड लग रहा है, तो ये हमारा एक फिक्स बीम विद UDL डिफॉर्मेशन शेप एनिमेशन है। ये आपका इधर स्केल फैक्टर। प्लीज़ अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल की डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वो ज़रूर डालूँगा। और अभी ये फर्स्ट वीडियो है हमारी अबाकस की, धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आएंगी और पूरा हम अबाकस सीखेंगे इसी तरह। थैंक यू।